तो यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू पी एडमिन। तो देखो 6.6.1 का 6.6.2 का भी अपडेट आ गया। जाओ यहाँ पर, यह हमें कुछ यहाँ दिखा रहा है इस तरह से, तो चलिए इसको ज़रा अपडेट करके देखते हैं। क्लिक ऑन अपडेट आ गया यहाँ पर, और इसको लेटेस्ट में अपडेट कर लो। लीजिए ये भी आपका डन हो गया, आपका लेटेस्ट वर्डप्रेस आ चुका है। हमारे ऑफलाइन वाले में जो चल रहा है वर्डप्रेस, वो आई थिंक 6.6.1 है। डाल दिया तुमने? हाँ डाल दिया तुमने, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थीम डालना सीखेंगे, थीम कैसे डलेगा। तो थीम में हम लोग आएंगे और यहाँ से अपलोड में आके हम थीम को चूज़ कर लेंगे। हाँ डाल सकते हैं, ये मेरे पास पड़ा हुआ है और हम इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। तो आपको ये तो पता ही, मैंने लास्ट क्लास में सर्च इंजन विजिबिलिटीज़ की बंद कर दी थी, वो ज़रूरी है काम करने से पहले, नहीं तो दिक्कत हो जाती है फिर बाद में। हाँ कर सकते हो। अब तुम्हें पता है ना, पहले पता नहीं था ना, पहले तुम खोल के कर रहे थे काम। ठीक है, तो ये मेरा टेस्ट अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर इसके कीज़ वगैरह डाल दूँगा। फ़ोन नंबर बताना अपना, यही वाला होगा ना? कहाँ गया फ़ोन नंबर यहाँ से? मैं तुम्हें भेज देते क्रेडेंशियल इसके। यस थीम ऑप्शंस अपडेट, और ये अपना काम हो गया इसके। ये कह रहा है डी बी इज़ आउटडेटेड, यानी कि अपडेट आया हुआ है डी बी का। होम पर जाइए, अपडेट में आइए, तो पेड होने का देखो ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका अपडेट हो पाएगा। देखो ये चल तो रहा है डी बी थीम, बहुत महंगी थीम है, की वगैरह सब कुछ हमारे पास, लेकिन रिलायबल नहीं है, क्योंकि जिस जगह से मैंने डाउनलोड की उसने कुछ इसमें हैकिंग कोड लगा रखा हो, कोई गारंटी नहीं है। सो इसलिए कभी भी इस तरह की थीम को इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, क्योंकि कल को किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम करो, दो मिनट में तुम्हारा सारा डेटा गया, समझ गए ना? तो इसलिए सीखने के लिए चला लो, तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, समझ में आ गई थीम, खरीद के फिर काम करो, ठीक है, रिस्क फ्री रहेगा तुम्हारा। तो देखो भाई थीम वगैरह जो है वो अपडेट हो चुकी है। तो जुपिटर आती है, ठीक है, बट इसके आगे तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, सब हो जाता है इसके अंदर, जो करना चाहो, ठीक है। तो देखो हमारी थीम बिल्कुल एकदम अप टू डेट, डैशबोर्ड में सब दिखाई दे रहा है। तो आपको जैसे प्री बिल्ट एज आपको करना है, अब जैसे मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि ऑफलाइन कंटेंट को ऑनलाइन कैसे लाया जाए। तो हम लोग पेज में आते हैं, ऑल पेज में आते हैं, और उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, डी वी के अंदर जाएंगे, थीम ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल्डर, बिल्डर के अंदर आपको एडवांस में आना है, क्लासिक बिल्डर को एक्टिवेट कर लेना है। करने के बाद आपको पेजेस में आना है, ऑल पेजेस में आने के बाद आपने यहाँ से एक नया पेज बना लेना है, ठीक है। नए पेज को बनाने के लिए आपने यूज़ दी डीबी बिल्डर पर क्लिक करना है, और आप यहाँ से बोलेंगे स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है, स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करिए, स्टार्ट बिल्डिंग पर अगेन क्लिक करिए और इसको छोड़ दीजिए।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑफलाइन जो हमारा ये पेज बनाया था हम लोगों ने, उस पर जाइए। जैसे मुझे लैंडिंग पेज लेके आना है, लैंडिंग पेज में गए, ठीक है। लैंडिंग पेज में जाने के बाद आपको यहाँ से ऊपर दो एरो दिखाई देंगे, इस पर क्लिक करना है। आपने बोलना है एक्सपोर्ट, ये पेज एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया अपना। फाइल आ चुकी है, लाइव में आना है आपने, यहाँ के क्या बोलना है, इंपोर्ट लैंडिंग पेज, तो देखो मेरा ऑफलाइन बनाओ पेज अगले एक दो मिनट में लाइव आ जाएगा। क्या करेंगे अभी इन सब चीज़ों पर बात, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ऑफलाइन काम करे तो लाइव कैसे लेकर आओगे, ठीक है। देखो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है, इतने हम अपने दूसरे बैच का लिंक भेज देते हैं। फ्रीलांसिंग तो मैं करता ही हूँ, फ्रीलांसिंग लेकिन तब करना चाहिए जब आपको एक्सपीरियंस हो इंडस्ट्री का, बिना एक्सपीरियंस के नहीं करना चाहिए, उसके साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे। क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है कि मैं कोर्स करना सीधे फ्रीलांस करूँगा, जॉब नहीं करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करेंगे। ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपको पता हो कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या सेट करनी है। फ्रीलांसिंग में आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होता, आप सोचोगे भाई किसी का लोगो बनाना है, मैं 10,000 मांगूँ, 4,000 मांगूँ, 2,000 मांगूँ, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा बोलूँ भाग जाए, तो काम चाहिए। लेकिन तो पहली चीज़ ये कि खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, दूसरा आपकी खुद की वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए। अब आपने कभी किसी ब्रांड के लिए काम नहीं किया, किसी कंपनी के लिए आपने काम नहीं किया, आप डायरेक्ट फ्रीलांस करें तो कोई भी आपको सही वैल्यू नहीं देगा। अब आपने किसी ब्रांड के लिए काम कर रखा है, लाइक एप्पल, लाइक डेल, लाइक HP, जब आप अपना पोर्टफोलियो किसी को शेयर करोगे तो बंदा आपके बातों पर ट्रस्ट करेगा कि भाई बंदे ने इसके लिए काम कर रखा है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि MI का लोगो राउंडेड करने के 200 करोड़ रुपये ले लिए गए, 200 करोड़ रुपए तुम मांग लोगे बॉर्डर रेडियस राउंड करने के, कॉर्नर रेडियस डालने के? नहीं मांग सकते ना, ये 2-3 हज़ार रुपये दे दो, राउंड ही तो करना था कॉर्नर, लेकिन उन्होंने इतने रुपए ले लिए, तो कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा ना कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए MI को चार्ज किया उस चीज़ का, और MI ने उसका पे कर दिया। तो बड़ी कंपनियां जब होती हैं ना, जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, मान लो जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, या जैसे एक बहुत पुरानी मूवी के अंदर एक राज बब्बर जो होते हैं वो एक मैकेनिक होते हैं, इंजीनियर। देखो पूरा कंटेंट आ गया, हम यहाँ से पेज का नाम सेट करेंगे लैंडिंग, और यहाँ से पब्लिश करेंगे पेज को। अभी अपन व्यू पेज करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा जो पेज ऑफलाइन था अब वो ऑनलाइन दिखाई देगा। हो गया इस तरह से।
सारा कुछ तो लाइव लाना कोई ज़्यादा तगड़ा काम नहीं, तो अभी के लिए इतना करके देख लूँ, बाकी फिर नेक्स्ट।